दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि छोटा हाथी यानी कि टाटा एस का बिजनेस हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को आप 12 महीने कर सकते हैं और इस बिजनेस को कई तरीके से किया जा सकता है और इस बिजनेस में कई तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो हर तरीके के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे और आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप इससे बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसके साथ दोस्तों जो छोटे मोटे और भी इसी प्रकार के जो गाड़ियां होती हैं जैसे कि पिकअप वैन हो गया, इसी प्रकार के और भी बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, तो इस तरीके को अगर आप जान लेते हैं तो इसी तरह के जितने भी सारे जो सामान ले जाने वाले गाड़ियाँ होती हैं इसका बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि टाटा एस का बिजनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें कितना पैसा हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इससे कमाई कितनी होगी, कौन सा लाइसेंस चाहिए, कितने तरीके से हम लोग पैसे कमा सकते हैं या इस बिजनेस को कितने तरीके से कर सकते हैं और इसमें एवरेज या माइलेज कितना देता है, हर एक चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम लोग इसको भाड़े पर दें या खुद चलाएँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे तरीके से इसमें पैसे कमाए जा सकते हैं, जैसे कि आप इसको किसी कंपनी में भाड़े दे सकते हैं, किसी दुकान में दे सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो दुकान होता है वहाँ पर बहुत सारे इसी तरह के गाड़ियों का रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो दूध की कंपनियाँ होती हैं उनको भी गाड़ी चाहिए होता है भाड़ा में। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं, फिर सब्जी मंडी, फल मंडी, कोई होलसेलर है तो उसको भी गाड़ियों का रिक्वायरमेंट होती है। तो लोग क्या करते हैं कि भाड़े में ले लेते हैं, खुद का नहीं खरीदते हैं। तो इस तरह के दुकानों में आप दे सकते हैं, अलग अलग जगहों में दे सकते हैं जहां भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर मेरी माने तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं इसको, तो देखिए आप खुद चलाइए वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप खुद नहीं चला पाते हैं तो क्या करिए कि आप किसी को ड्राइवर रख लीजिए, लेकिन किसी को भाड़े पर मत दीजिए कि आप चलाइए मुझे दिन का इतना दे दीजिएगा या महीने का इतना दे दीजिएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, इसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा ज़्यादा। लेकिन अगर आप खुद से चलाते हैं तो इसमें आपका प्रॉफिट मिलेगा। या फिर अगर आप खुद से नहीं चलाना चाहते तो एक काम और कर सकते हैं आप कि आप किसी को ड्राइवर रख सकते हैं अपने गाड़ी में, तो भाड़ा भी आपको पकड़ना है, जितना कमाई होगा वो आप रखेंगे और कुछ उसमें से ड्राइवर को फिक्स दे दीजिएगा कुछ वेतन महीने में। दोस्तों अगर आप गाड़ी को खुद से चलाने वाले हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इसके साथ ही आपके पास कुछ महीनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी को कैसे चलाते हैं, कहाँ पर किस प्रकार का नियम बना हुआ रहता है, टोल प्लाजा क्या है, ये सब मतलब कि बेसिक जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। और दोस्तों गाड़ी का सारा जो पेपर है वो आपको रेडी करवाना होगा, तो सारा चीज़ कर लीजिए कंप्लीट, उसके बाद आप खुद से भी चला सकते हैं। और अगर आप ड्राइवर रखना चाहते हैं तो किसी भी एक्सपीरियंस ड्राइवर को जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी हो उसको आप हायर कर सकते हैं, उसको कुछ पेमेंट बांध दीजिएगा कि महीने में आपको इतना मिलेगा, उसके बाद हमारा गाड़ी का जो है अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरह से आप किसी ड्राइवर को भी रख सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि टाटा एस यानी कि छोटा हाथी अगर हम लोग खरीदना चाहें तो इसको किस प्रकार से खरीद सकते हैं और इसका ईएमआई कितना लगेगा महीना में और डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा हम लोग को शुरुआत में। तो दोस्तों डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा करीब 36,000, लगभग मिनिमम 36,000 आपका अगर करेंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगा। उसके बाद आप ईएमआई बनवा सकते हैं, एक साल के लिए, दो साल के लिए या तीन साल, पाँच साल के लिए, आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है उस प्रकार से आप बांध सकते हैं। अगर आप सबसे कम का ईएमआई प्लान देखें तो दोस्तों 7,500 रुपये का होता है, तो इतना में आप आसानी से करवा सकते हैं, यानी कि आपको महीने में 7,500 रुपये देना होगा। तो आपके पास जितना भी बजट है अगर 36,000 से ऊपर है तो उतना आप पहले डाउन पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप ईएमआई बंधवा दीजिए जितना भी आपको साल के लिए या महीनों के लिए चाहिए उस प्रकार से। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी करने के बाद गाड़ी को निकाल लीजिए। और अगर आप खुद से चलाना चाहते हैं गाड़ी तो खुद से चलाइए, और ड्राइवर रखना चाहते हैं तो ड्राइवर को भी रख सकते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इससे भाड़ा हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो भाड़ा मिलने के लिए दोस्तों आप बहुत सारे तरीके आजमा सकते हैं, तो क्या क्या तरीके हैं चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है कि आप किसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो दुकान होता है वहाँ पर अपने गाड़ी को लगा सकते हैं और वहाँ जितना भी कमाई आता है वो आप रखेंगे, ड्राइवर को कुछ दे देंगे। उसके बाद दोस्तों आप और भी बहुत सारे जगह हैं जैसे कि फल मंडी है, सब्जी मंडी है, तो वहाँ के जो होलसेलर होते हैं वो दूर दूर से सामान को मंगवाते हैं, सब्जियाँ और फल, तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि मैंने भी नया गाड़ी लिया है तो मुझे भी चांस दे, मैं सामान आपका वहाँ से लाना चाहूँगा। तो इस प्रकार से आपको जाना पड़ेगा ग्राउंड में और बात करना पड़ेगा जो भी होलसेलर रहते हैं, जो भी बड़े बड़े व्यापार करते हैं उनसे आपको बात करना होगा। और दोस्तों आप दूध जो कंपनी रहती है वहाँ भी आप उनसे मिल सकते हैं, उनको भी गाड़ियों की रिक्वायरमेंट होती है उनको दूध पहुँचाने के लिए या दूध जो है कंपनी तक लाने के लिए।
और दोस्तों बहुत सारे लोग वाटर का भी बिजनेस करते हैं, पानी का, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो पानी सप्लाई में आपका गाड़ी यूज कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको हो सकता है पैसे आ जाएं। तो बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप इस बिजनेस में एक बार आते हैं तो आपको और भी बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे जहाँ से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि लोकल में अगर आप इधर उधर करते हैं, मतलब अपने गाड़ी को ले जाते हैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाइएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मतलब क्या, जो आप लंबा लंबा दूरी तय करते हैं अपने किसी सामान को लेके, आज अगर आप झारखंड में हैं तो आप उत्तर प्रदेश चल गए, बिहार चल गए, छत्तीसगढ़ चल गए, या अगर मध्य प्रदेश में हैं तो आप कश्मीर चल गए, बंगाल चल गए, उड़ीसा चल गए, तो इस प्रकार का मतलब कि लंबा लंबा अगर आप दूरी तय करते हैं तो आपको ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा देखने को मिलेगा इस बिजनेस में। लेकिन अगर आप छोटे छोटे डेस्टिनेशन तय करिएगा तो फिर वहाँ पर आपको कम पैसा देखने को मिलेगा। तो आप किसी ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं जो कि दूर दूर से सामान मंगवाते हैं या फिर दूर दूर सामान भेजते हैं। जैसे आप फल वालों को पकड़ सकते हैं, तो फल वाले क्या करते हैं कि कश्मीर से मंगाते हैं, महाराष्ट्र से मंगाते हैं, हिमाचल से मंगाते हैं, तो अलग अलग जगहों से वो मंगवाते हैं। तो फल मंडी में आप बात करिए और वहाँ जो होलसेलर हैं फल वाले, उनसे आप टाई अप करके उनके साथ काम कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं, टाटा एस या छोटा हाथी बोलिए या पिकअप वैन बोलिए, इसका एवरेज जो रहता है वो कितना रहता है, यानी कि माइलेज कितना देता है ये। तो दोस्तों अगर आप डीजल वाला लेते हैं तो डीजल वाला में करीब आपको 23 किलोमीटर का माइलेज देगा, यानी कि एक लीटर में आपका 23 किलोमीटर तक जाएगा गाड़ी। और अगर आप पेट्रोल वाला लेते हैं तो पेट्रोल वाला जो है 25 किलोमीटर तक जाता है। तो ये कुछ इसका एवरेज है। तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है गाड़ियों के सर्विसिंग का ऊपर डिपेंड करता है, और भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सड़क हो गया, आप कितना ब्रेक यूज कर रहे हैं, क्लच यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन एवरेज अगर देखें तो इतना ही होता है। तो चलिए जानते हैं कि अब अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं किसी सामान को लेके, तो अलग अलग सिटियों में भाड़ा कितना होता है इस बिजनेस में। अगर आप मान लीजिए कि 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं या 10 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, 8 किलोमीटर करते हैं, तो आपको भाड़ा कितना मिलेगा, डिटेल में समझते हैं। दोस्तों 7 घंटा अगर आप ट्रैवल करते हैं 70 किलोमीटर, तो आपको इसमें 2000 का भाड़ा मिलेगा। और अगर आप 8 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं 80 घंटा में, तो आपको 2250 रुपये का भाड़ा मिलेगा। और अगर आप 9 घंटा ट्रैवल करते हैं 90 किलोमीटर, तो आपको 2500 का कमाई होगा यहाँ पर। और अगर आप 10 घंटा ट्रैवल करते हैं 100 किलोमीटर सामान लेके जाते हैं, तो आपको वहाँ पर 2800 रुपये का भाड़ा मिलेगा। तो ये दोस्तों सिटियों का बात है, तो इधर उधर थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी के अंदर में रहता है। अब चलिए जानते हैं कि अगर इस बिजनेस को आप करते हैं तो क्या आपका फ़ायदा होगा या फिर नहीं होगा, और कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि आपको कोई भाड़ा मिला, और वह भाड़ा लो दोस्तों आप 100 किलोमीटर आपको पहुंचाने के लिए मिला, ठीक है, तो उसको आप 10 घंटा में मान लीजिए कि ट्रैवल करेंगे, तो समय को हटाते हैं, आप कितना भी समय ले सकते हैं। तो 100 किलोमीटर, अब 100 किलोमीटर जाने का, वहां पर उतारने का माल, ठीक है, उसके बाद आपको वापस भी आना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है 200 किलोमीटर का। और अगर हम लोग एवरेज माने कि एक लीटर डीजल का दाम जो है वो दोस्तों होता है करीब 100 रुपये मान सकते हैं डीजल या पेट्रोल का दाम। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि 25 किलोमीटर जाने के लिए एक लीटर आपका डीजल जो है लगेगा या पेट्रोल लगेगा, 100 किलोमीटर जाना और आना, इसमें डीजल जलेगा दोस्तों आपका करीब 8 लीटर। 8 लीटर का प्राइस अगर 100 रुपये के हिसाब से अगर हम लोग माने तो 800 रुपये हो जाता है। अगर आप 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो उसका भाड़ा करीब होता है 2800 रुपये। तो दोस्तों 2800 रुपये अगर आपको मिलता है और उसमें से डीजल जलता है या पेट्रोल जलता है आपका मात्र 800 रुपये का, तो एक दिन में आप 2000 रुपये कमा सकते हैं, महीने के 60000 रुपये कमा सकते हैं, और आपको EMI लग रहा है करीब 7500 रुपये का, तो इसका डबल भी आप EMI चाहें तो करवा सकते हैं, यानी कि 15000 रुपये का। तो इस प्रकार से यह बिजनेस में फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। अगर आप महीने के 60000 रुपये कमा रहे हैं तो आपको 15000 रुपये देने में कुछ भी नहीं है, अगर आपको डेली भाड़ा मिल जाता है तो। अगर आपका नेटवर्किंग अच्छा रहेगा, मार्केटिंग आपने अच्छा से किया होगा, तो आपको हो सकता है भाड़ा जल्दी मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप 100 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं किसी सामान को लेके, तो वहां पर आपका 2000 रुपये बच रहा है, तो कितना ज़्यादा फायदा है। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप स्टार्ट कीजिए, मेरा शुभकामनाएं आपके साथ है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी दोस्तों तक चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसी तरह के और भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते दोस्तों।